हम इस मुद्दे पर दोबारा से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आपको राष्ट्रपति भवन ले चलते हैं, जहां पर इस वक्त खिलाड़ियों का सम्मान समारोह लगातार जारी है। पीवी सिंधु को सम्मानित किया जा रहा है। पीवी सिंधु वही खिलाड़ी जिन्होंने देश को सिल्वर मेडल दिलवाया, और अब दीपा कर्माकर जिम्नास्ट में भारत का नाम रोशन करने वाली और पहली भारतीय महिला जो कि जिम्नास्ट में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया और महज कुछ ही अंक से जो है वो मेडल लेने से चूक गई। लेकिन जिस तरह से दीपा कर्माकर ने प्रदर्शन किया था, उसके बाद पूरा देश उनका फैन हो गया। यहाँ तक कि कई बड़े सेलिब्रिटीज और नेता जो है वो दीपा कर्माकर की तारीफ कर रहे हैं। एक स्वर्ण पदक और एक रजत पदक जीता। सुश्री दीपा कर्माकर को जिम्नास्टिक्स में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुश्री दीपा कर्माकर। श्री जीतू राय निशानेबाजी। इन्होंने 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक, एशियाई खेल 2014 में पुरुषों की 50 मीटर फ्री पिस्टल खेल विधा में स्वर्ण पदक और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल खेल विधा में कांस्य पदक टीम, 2014 में मैरीबोर स्लोवेनिया में आयोजित विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल खेल विधा में स्वर्ण पदक और पुरुषों की 50 मीटर फ्री पिस्टल खेल विधा में रजत पदक जीता। श्री जीतू राय को निशानेबाजी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री जीतू राय। सुश्री साक्षी मलिक कुश्ती। रियो ओलंपिक्स 2016 में ओलंपिक्स में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला हैं। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2014 में रजत पदक, एशियाई चैंपियनशिप 2015 में कांस्य पदक जीता। सुश्री साक्षी मलिक को कुश्ती में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2016 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। सुश्री साक्षी मलिक। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2016 है, श्री नागापुरी रमेश। इनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों में सुश्री एस गीता, सुश्री एम आर पुवामा और सुश्री देवाश्री मजूमदार प्रमुख हैं। ये एशियाई खेल 2014 में एशियाई खेलों के रिकॉर्ड समय में 4x400 मीटर में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कोच थे। इनकी कोचिंग से भारतीय एथलीट सुश्री दुति चंद ओलंपिक खेल 2016 में 36 वर्ष के बाद 100 मीटर की दौड़ के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहीं। श्री नागापुरी रमेश को कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2016 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। श्री नागापुरी रमेश। श्री सागरमल धायल। इनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ियों में सुश्री एमसी मैरीकॉम, सुश्री कविता चहल, श्री विजेंद्र सिंह और सुश्री एल सरिता देवी प्रमुख हैं। श्री सागरमल धायल को
कोचिंग के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को मान्यता देते हुए वर्ष 2016 के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। श्री सागरमल धायल। तो राष्ट्रपति भवन में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जा रहा है, उन खिलाड़ियों को दिया गया जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, और उन तमाम जो कोच हैं जिन्होंने इन खिलाड़ियों को तैयार किया पदक लाने के लिए, उनका भी सम्मान किया जा रहा है।